तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस सर, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं आई ड्राइंग। और यहाँ पे जो रेफरेंस मैंने सेलेक्ट करा है उसके आप ध्यान से देखोगे तो वो पता चलेगा कि ये जो आई का पोजीशन है वो 3/4 पोजीशन है, मतलब 3/4 व्यू है। फ्रंट साइड की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे दोनों आई का साइज सेम होता है, बट जैसे ही यहाँ पे हम दूसरे एंगल में शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे पर्सपेक्टिव भी इंक्लूड हो जाता है, जिसकी वजह से साइजेस में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे आउटलाइन ड्रॉ कर दूंगा। अगर आपको पर्सपेक्टिव भी नहीं पता तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, मैं पर्सपेक्टिव को भी बहुत जल्दी कवर कर दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं शेडिंग की। तो यहाँ पे मैं रेगुलरली चारकोल यूज़ नहीं करता हूँ, बट अभी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो पोर्ट्रेट है चारकोल से यूज़ करूँगा, थोड़ा बहुत डिटेल के लिए मैं ग्रेफाइट यूज़ करूँगा। तो इसके ऊपर डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगा कि चारकोल को आप कैसे हैंडल कर सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होता है कि चारकोल अच्छे तरीके से हैंडल नहीं होती है। तो ये मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। फिलहाल इस वीडियो में कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो कि आप ध्यान रखोगे तो चारकोल में आप अच्छा काम कर सकते हो। सबसे पहला कि आपको हमेशा जब भी आप मिट्टो, जैसे एक एरिया होता है जो डार्क, कंप्लीट डार्क एरिया होगा, ठीक है, एक्सट्रीम डार्क एरिया होगा, वहाँ पर आप डायरेक्टली पेंसिल अप्लाई कर दो, उसको मिक्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जहाँ पर मिट्टोन वाली बात आ जाती है, इतना डार्क एरिया नहीं होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, आपको एक लेयर ऐड करना है चारकोल पाउडर से। ज़रूरी नहीं है कि वो अलग से चारकोल पाउडर ही हो, आप पेंसिल से ही पाउडर बना सकते हो, उसको यूज़ करके, ब्रश का यूज़ करके, या फिर ब्रश ही सबसे बढ़िया ऑप्शन है, टिश्यू पेपर से भी आपका काम हो जाएगा। तो उससे आप एक लेयर बना दो वहाँ पे, जहाँ पे भी आप अप्लाई करना चाहते हो। उससे होगा क्या कि देखो, उससे ये होगा क्या कि पेपर पे एक लेयर चढ़ जाएगा चारकोल का। उसके बाद जब भी आप अगला लेयर अप्लाई करोगे तो अच्छे तरीके से मिक्सअप होगा और जिस तरीके का आपको रिज़ल्ट चाहिए वो आपको मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम ये मान के चलें कि आपने कोई भी बेस लेयर नहीं दिया यहाँ पे और डायरेक्टली आपने अप्लाई कर दिया, तो सो जो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल होता है वो तो फिर भी मिक्स हो जाता है। थोड़ा सा ज़्यादा प्रयास करोगे, ज़्यादा ट्राई करोगे तो वो मिक्स हो जाता है। बट अगर मैं बात करूँ हार्ड चारकोल पेंसिल की और मीडियम चारकोल पेंसिल्स की, तो वो मिक्स नहीं होती है, वहाँ पे पैचेस हो जाएंगे। जिस तरीके का रिजल्ट आपको चाहिए ना, वो आपको नहीं मिलेगा। तो प्रोसेस आप वीडियो में देख लो, आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कि किस तरीके से चारकोल को हैंडल करना है। अगर डाउट रह जाता है तो आगे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। चारकोल के ऊपर भी मैं पूरा सीरीज़ लेके आऊँगा, जिनको भी चारकोल में ज़्यादा इंटरेस्ट है, चारकोल पे बनाना पसंद है बट उतने अच्छे तरीके से हैंडल वगैरह नहीं कर पाते हैं, उनके लिए वो सीरीज़ बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो ये वीडियो आगे आप देखो ध्यान से किस तरीके से मैंने बनाया है। और एक और बात कि जो भी मैं टूल यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, वो वीडियो के कॉर्नर में आपको शो कर दूंगा, ताकि आपको पता चले कि किस टाइम पे मैं कौन सा पेंसिल या फिर कौन सा टूल मैं अप्लाई कर रहा हूँ।
तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।